हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राक्षी क्लासेस। मायसेल्फ साक्षी वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। एंड दिस डिफरेंशिएशन कंसेप्ट वीडियो इज रिलेटेड विद द लेसन नंबर 14। एंड इस लेसन नंबर 14 में हम अपने पुराने ही कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जो हमारा कंसेप्ट था लॉग एक्स, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स वाला कंसेप्ट, क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ा डाउट्स थे और बच्चे ये बोल रहे थे कि आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं। तो मैं आज हम दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसी से रिलेटेड, जो लॉग एक्स और ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स से रिलेटेड है। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगी कि इस कंसेप्ट में इतना डीपली मत जाना, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस निकलते हैं, वो आपके लेवल के लिए नहीं है। क्योंकि जब हम इस चैप्टर में और आगे कंसेप्ट देखेंगे ना, तो और कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस कराऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसलिए मैंने इस वीडियो में बोला भी है कि इस कंसेप्ट में इतना ही फोकस रहना जितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, बट जितने करे हैं उतने ही सॉल्व करना, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस एंड बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर दीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू डिडंट मिस एनी वीडियो, राइट। सो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द BBA BCom प्रोग्राम एज वेल एज BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने लॉग एक्स, ए की पावर एक्स एंड ई की पावर एक्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, बट उन्हीं के क्वेश्चंस को आज हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पिछला ही जो टॉपिक हमने लिया था उसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आपकी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लॉग एक्स। आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, राइट। अगर आपको इसका डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, तो आप इसको यू पढ़ेंगे ऊपर वाले को और इसको नीचे वाले को वी पढ़ेंगे। दैट मीन्स आपको वाई को डेरिवेट करना है, तो डीवाई बाय डीएक्स, राइट। जब हम यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नीचे हम वी का स्क्वेयर करते हैं। वॉट इज आर वी? वन प्लस एक्स लॉग एक्स जो है वो हमारा वी है, तो वी का स्क्वेयर हो गया। फिर हम v को ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, तो व्हाट इज आर v? 1 प्लस x log x, राइट। तो v को ऐसे का ऐसे ही रखा। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है बेटा? u का। व्हाट इज u? log x, ठीक है। माइनस, अब u ऐसे का ऐसे ही रहता है और v का डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? v का। और v के हमारे पास 1 प्लस x log x, राइट। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने छोटा सा लिखा है। ये क्या है? 1 प्लस x log x, क्लियर, ओके। अब आगे देखो बेटा, dy by dx is equal to 1 plus x log x, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, राइट, into log x का डेरिवेटिव पूछ रहा है, और log x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था? 1 by x होता है, तो हमने लिख दिया माइनस, बड़ी ब्रैकेट क्योंकि माइनस साइन है, log x का log x ही रहेगा, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0। और अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? x log x का। हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? x log x का। बेटा अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल विच इज x, एंड दिस इज ऑल्सो इन अ वेरिएबल दैट इज log x, वेरिएबल इनटू वेरिएबल है, तो आप इसे इजिली तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है यहाँ पर क्या लग रहा है? u इंटू वी लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल इंटू वेरिएबल होता है, तो हमें कौन सा डिफरेंशिएशन लगाना होता है? रूल u इंटू वी। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे दैट इज मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है किसका? x log x का। तो ये मैं ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगी और अपॉन में क्या कर दूंगी? 1 प्लस x log x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का, ओके। अब आगे देखो, ठीक है, dy by dx ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस x log x जो नीचे है वो भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बेटा अब ध्यान से देखना है हमें, अगर आप इस 1 को 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1 बाय एक्स प्लस, अब आप इस x log x को पूरे 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप ये देखें x log x इंटू 1, x log x ही रहेगा, बट नीचे अपॉन में x है। क्या ये x है? x कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो हमारे पास बात लास्ट में क्या बचा? log x, राइट। माइनस, बड़ी ब्रैकेट लगाई, लॉग एक्स का लॉग एक्स ही रहेंगे, रहने देंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनना बेटा,
जीरो को आप छोड़ दो, अब हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स लॉग एक्स का। एक्स को मानो यू और लॉग एक्स को मानो वी, तो एक यू इंटू वी लगाना है, तो पहले यू, यू को यू ही रहने दो, व्हाट इज यू एक्स, किसका डेरिवेटिव लोगे आप, वी का, लॉग एक्स का, प्लस आप वी को वी ही रहने दो, किसका डेरिवेटिव लोगे आप, एक्स का। बात समझ आ रही है, ये फिर मैंने छोटा लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहां तक क्लियर। अब dy by dx ही रहेगा, नीचे 1 प्लस x log x भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है, 1 by x ही रहेगा, प्लस log x ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, log x ही रहेगा, ब्रैकेट x x ही रहेगा। बेटा यहाँ पे log x का डेरिवेटिव पूछ रहा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x प्लस log x का log x ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1। बात क्लियर हुई पक्का? अब आगे देखो, वन बाय एक्स का वन बाय एक्स ही रहेगा, प्लस log x ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, log x का log x ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। बेटा अब ये x इंटू वन बाई, ये x x कट गया तो ब्रैकेट में क्या है, 1 बचा, प्लस अब ये log x इंटू वन, log x ही रहेगा, बस समझ आ रही है, मैट इज मेरे पास लास्ट में ये बचा है, 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स है, log x का log x है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, माइनस का माइनस है, अभी भी ब्रैकेट को रहने देना, बट अभी ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को खत्म करो। इस log x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज log x, इस log x को log x से मल्टीप्लाई किया तो इट इज log x इंटू log x, बात समझ आ रही है क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, बात क्लियर, ओके। अब आगे देखो बेटा, वन बाय एक्स का वन बाय एक्स ही रहने देना है, log x का log x ही रहने देना है, ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस log x हो जाएगा, माइनस प्लस को मिलेगा तो माइनस log x इंटू log x, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट पक्का, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आप ये आगे देखें तो प्लस log x माइनस log x से कट रहा है, बात समझ आ रही है, कट रहे हैं ना। अब इसको देखो तो लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1 बाय एक्स माइनस ऑफ log x इंटू log x, और अपॉन में इट इज 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ पॉइंट पक्का। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स ही रहने देना है। अब बेटा log x इंटू log x, इसका मतलब log x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस x log x का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स का आपको एलसीएम लेना है, बात क्लियर हो रही है, ये देखो बेटा dy by dx ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, 1 प्लस x log x का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, मेरे को इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका मतलब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो x और 1 का क्या होता है, x ही होगा, x को x से डिवाइड किया इट इज 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस का माइनस, बेटा x को 1 से डिवाइड किया x, और x को log x होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू log x का होल स्क्वायर, या x का स्क्वायर मत कर देना, या x अलग है मल्टीप्लाई में है log x का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में dy by dx ऐसे का ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, बेटा ये टर्म इससे डिवाइड हो रही है और ये वाली टर्म पूरी इससे डिवाइड हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा याद रखना जब 1, 2 और 3 टर्म होती हैं, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2 और 2 वाली जो टर्म है थर्ड से डिवाइडेड हो रही है, अगर ऐसे हो 1, 2, 3 तो ऑटोमेटिकली जो ये सेकेंड टर्म होती है वो थर्ड टर्म से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ये हमेशा याद रखना। तो 1 माइनस एक्स लॉग एक्स, यहां से लॉग एक्स का स्क्वायर होगा, अपॉन में दिस एक्स इज मल्टीप्लाइड विद द थर्ड टर्म, तो एक्स बाहर ही रहेगा, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स अंदर मल्टीप्लाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो अंदर वाली टर्म है वो होल स्क्वायर में टर्म है,
तो या तो पहले होल स्क्वायर खुलेगा फिर जाके वो एक्स मल्टीप्लाइड होगा, तो इसलिए इतना बड़ा उसको मत बनाओ। सिंपल जो सेकेंड टर्म होती है वो थर्ड टर्म से मिल जाती है मल्टीप्लीकेशन में, सेकेंड टर्म को 12 को और थर्ड टर्म को ऐसे का ऐसे। इसका मतलब है दिस इज माय फाइनल आंसर, मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया इस क्वेश्चन का, ये जो मैंने जिसको स्क्वायर किया। बात समझ आ रही है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बीइंग डन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो अब आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है? आपकी बुक का ही सेकेंड क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से देखें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है लिखिए, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ax, बीच में माइनस है, अपॉन e की पावर ax और बीच में प्लस है e की पावर माइनस ax। यहां तक क्लियर? अब देखो बेटा, अगर आप इसे देखें तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा करेंगे क्या करेंगे, तो इसलिए जब कुछ समझना है ना u अपॉन v लगा दो, क्लियर? अगर मैंने u अपॉन v लगाया तो नीचे v का होल स्क्वायर होता है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर, राइट? v का v ऐसे ही रहता है, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव होता है, u का। व्हाट इज आर u, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, बीच में माइनस लगेगा। यहाँ पे u ऐसे का ऐसे ही रहता है, e की पावर ax माइनस माइनस e की पावर माइनस ax। यहाँ किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, v का, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। यहाँ तक क्लियर? पक्का समझ आया? ठीक है, अब हमें सीधा डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना है, राइट? अगर अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो मेन कहानी आती है वो अब यहाँ पे आती है, e की पावर ax ऐसे का ऐसी प्लस e की पावर माइनस ax भी ऐसे का ऐसी, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले इसका, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करके दिखा रही हूँ। e की पावर ax बेटा इसको मान लो, क्या मानोगे थोड़ी देर के लिए, x, इसका मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना? आपने x जिसको माना था उसको वहीं प्लेस कर दो, इनटू अब जिसको x माना था उसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, ए एक्स का डेरिवेटिव। बेटा व्हाट इज दिस ए, दिस ए इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर जब भी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है और उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1, तो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर उतरता है। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है वो a इंटू e की पावर ax, ये दिस इज माई फाइनल आंसर। बात क्लियर हो रही है? यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन उतरा है, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस साइन आगे लग जाता बस। बात क्लियर हो रही है? देखो ये e की पावर ax प्लस साइन है ना, तो क्या उतारोगे, सिंपल लिख दो e की पावर ax, ठीक है? माइनस का माइनस ही रहने देना, ठीक है? मैंने क्या बताया, e की पावर माइनस ax, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर रही हूँ, माइनस। अब ध्यान से देखना, प्लस की जगह क्या कर रही हूँ, माइनस। बेटा e की पावर माइनस ax, इसको क्या पढ़ोगे थोड़ी देर के लिए, x, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो x क्या है आपका, माइनस ax है ना, इनटू, अब इसको आप डेरिवेट करोगे जिसको मैंने इनक्लोज करा है। अब अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ए इज द कॉन्स्टेंट नंबर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए से, तो अब आंसर क्या हो गया, माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। यहाँ क्लियर? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे, इसलिए तो मैंने थोड़ी दूर में लिखा था कि माइनस माइनस रब करके मैं प्लस कर दूं, बट आप नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना होगा। मैं सिर्फ शॉर्टकट्स यूज कर रही हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। बीच में माइनस लगेगा ये वाला, अब बड़ी टर्म ब्रैकेट आएगी, ठीक है? e की पावर ax ऐसे का ऐसी माइनस e की पावर माइनस ax ऐसे का ऐसी। आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर ax का, अभी बताया था e की पावर ax का a e a x माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो e की पावर माइनस ax का माइनस a इंटू e की पावर माइनस ax, राइट? अब प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। बात क्लियर? और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ex प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक, तो अब हम इसके आगे देखते हैं, अब हमें करना क्या है। अगर आप ये देखें, इसमें से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, बट अगर आप ये देखें तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, a कॉमन आ सकता है।
अगर ए कॉमन आया इसमें से तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, तो ऑटोमेटिकली पूरा बाहर आएगा। तो इसमें क्या बचेगा? इसमें तो भाई सेम बचेगा क्योंकि इधर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है ना। अब चेंज इसमें हुआ है क्योंकि हमने इसमें से ए निकाला, तो इधर अगर ए निकाला तो इसके पास क्या बचेगा? ई की पावर ए एक्स बचेगा, प्लस ये ए गया तो क्या बचेगा? ई की पावर माइनस ए एक्स। बात क्लियर हो रही है? अब इसमें से भी कुछ नहीं निकल सकता, निकल सकता सिर्फ इसमें से, माइनस का माइनस ही रहने दो, ए निकला तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही सेम का सेम ही रहा है ना। बट चेंज क्या हुआ सेकेंड ब्रैकेट में? ए चला गया तो ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए। बात समझ आ रही है? और अपॉन में e की पावर ए एक्स, सॉरी यहाँ ए ठीक, प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? पक्का? अब आगे देखो, अगर आप ये देखें तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर हो रही है, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर हो रही है। इसका मतलब है a इंटू ए क्या बन जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो ये टर्म इंटू ये टर्म क्या हो जाएगा? उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a का a ही रहने दूंगी, e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आई? अब माइनस का माइनस a का a ही रहने दूंगी, e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा? e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? पक्का? अब आगे देखो, अगर आप ये देखें यहां पर भी बेटा a और यहां पर भी बेटा a है, तो a तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर रही हूं, दैट मींस इसका स्क्वायर मतलब a की पावर 2ax है ना, इसका स्क्वायर दैट मींस e की पावर माइनस 2ax। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, व्हाट इज a? e की पावर ax इनटू b, व्हाट इज b? e की पावर माइनस ax। यहां तक क्लियर? ये छोटी ब्रैकेट ओपन, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाओ बेटा। फिर से यहां पे मैं क्या ओपन कर रही हूँ? होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर रही हूँ। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी e की पावर ax का स्क्वायर, तो e की पावर 2ax, e की पावर माइनस ax का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या होगा? ए की पावर माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू ए इंटू बी। बात क्लियर हुई? और छोटी ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? ओके, अब एक चीज और देखो बेटा, ये e की पावर माइनस ए एक्स है। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी पावर माइनस में होती है तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ले लेते हो ना, पावर नीचे चली जाएगी, e की पावर ए एक्स हो जाएगा, तो ये चीज इससे कट गई। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे e की पावर माइनस ए एक्स है, पावर नीचे चली जाती है, तो जब वो नीचे जाती है तो 1 बाई e की पावर ax हो जाएगा, तो ये इससे भी कट जाएगा। बात समझ आ गई? इसका मतलब मेरे पास लास्ट में क्या बचा? a बचा, e की पावर 2ax बचा, e की पावर माइनस 2ax बचा, प्लस 2 बचा। बेटा ये माइनस है, ये ब्रैकेट में जाएगा, ये माइनस इसको मिलेगा तो ये माइनस e की पावर 2ax हो जाएगा, ये माइनस अंदर मिलेगा तो ये माइनस e की पावर माइनस 2ax हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 2। ब्रैकेट क्लोज। और अपॉन में क्या आएगा बेटा? e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? वही जो चल रहा था, वी जो है नीचे जाता चेंज नहीं होता। अगर अब आप देखें ई की पावर 2ax और माइनस ई की पावर 2ax, ई की पावर माइनस 2ax और माइनस ई की पावर माइनस 2ax, 2 प्लस 2 इज 4 एंड दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय a तो 4a, और अपॉन में क्या चल रहा है? ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। This is my final dy by dx of that question. बात समझ आ रही है? ये आपका dy by dx निकला है उस particular question का। बात समझ आई? ठीक है, तो basically अगर आप इस concept पे जाओगे, log x वाले concept में, यहाँ पे questions थोड़े से tricky हैं, but अगर मैं देखूँ MDU के level पे tricky questions इतने आते नहीं है, तो इसलिए इस concept पे इतना ज्यादा focus मत करो।
इसके बाद जो कंसेप्ट है ना डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस वाले कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। इस कंसेप्ट पे मोस्टली यही वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं। लॉग वाले अगर क्वेश्चंस आ जाए, जो अभी मैंने ई की पावर एक्स वाला ये जो क्वेश्चन कराया वो करके जाना, ठीक है। उससे पहले मैंने जो लॉग वाले क्वेश्चन कराए थे, प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन कराए थे, वो ज्यादातर करके जाना। इससे ज्यादा लॉग के क्वेश्चन में ज्यादा फोकस मत करो। अब जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा होगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जहां एक्स और वाई दोनों ही कंसेप्ट, दोनों ही इक्वेशंस में प्रेजेंट होंगे, और वहां पे प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बात समझ आएगी? अभी लॉगरिथम के क्वेश्चंस और भी आएंगे, सो आप लोग अभी जितना लॉग ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का कंसेप्ट समझाया अभी उतना ही करो, उसे ज्यादा मत करना, ठीक है।